तो चलो बनाते हैं शेजवान सॉस। फ्रेंड्स, ये है शेजवान सॉस बनाने के इंग्रेडिएंट्स। सॉस को अट्रैक्टिव रेड लुक देने के लिए मैंने यहाँ पे ली है काश्मीरी लाल मिर्च, जो थोड़ी कम तीखी भी होती है। मिर्च की डंडल निकाल के इसे साफ पानी से धो लिया है। अब इसे हल्का सा गर्म पानी में करीबन आधे घंटे तक भिगोना है। मिर्च पानी में अच्छी तरह से डूब जाए इतना पानी लेना है। अब इसे ढककर आधे घंटे के लिए रेस्ट दे देते हैं। फ्रेंड्स, 30 मिनट्स हो चुके हैं और हमारे मिर्च भी अच्छे से भीग गई है। अब इसमें से पानी निकाल लेते हैं। बचा हुआ पानी हम संभाल कर रखेंगे, इसका हमें आगे यूज करना है। मिर्च की हमें फाइन पेस्ट बना लेनी है। थोड़ा ऑयल ऐड करके पेस्ट बनाएंगे ताकि पेस्ट बनाने में आसानी हो। तो ये हमने मिर्च की फाइन पेस्ट तैयार कर ली है। पैन में मैंने 60 ml ऑयल लिया है। कंपेरिटिवली इस सॉस में थोड़ा ज़्यादा ऑयल लगता है। फ्रेंड्स, हमारा ऑयल इनफ गर्म हो चुका है, तो अब हम लहसुन ऐड करेंगे। फ्रेंड, लहसुन को मैंने इस तरह फाइन पीसेस में चॉप कर लिया है। साथ में ही हम अदरक भी डाल देते हैं। लहसुन को हल्का सा ब्राउनिश होने तक कुक करना है। अब ऐड करेंगे मिर्च की पेस्ट, साथ में ही नमक भी ऐड कर देते हैं। स्टोव की फ्लेम स्लो टू मीडियम रख कर इसे 4 से 5 मिनट्स तक पकाना है। फ्रेंड्स, अब ऑयल अलग पड़ता दिख रहा है, तो अब डालेंगे पानी। मिर्च भिगो के जो पानी अलग किया था वही पानी ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे करीब 150 ml जितना पानी लिया है। अब स्टोव की फ्लेम थोड़ी बढ़ा देते हैं। फ्रेंड्स, हमने जो पानी ऐड किया था वो सारा पानी जल चुका है, तो अब हम ऐड करेंगे टोमेटो सॉस। सोया सॉस, विनेगर और मरी पाउडर। अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर से 5 मिनट्स तक कुक करेंगे। फ्रेंड्स, 5 मिनट्स के बाद हमारा शेजवान सॉस बनकर तैयार है। अब हम स्टोव की फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इस सॉस को ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। इसे ठंडा होने के बाद साफ एयर टाइट बोतल में भरकर फ्रिज में स्टोर करेंगे। इस तरह स्टोर करके इसे 15 से 20 मिनट तक आराम से खाया जा सकता है। तो दोस्तों, बहुत ही टेस्टी बनता है, तो आप